एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। नंबर टू, आपकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो। और नंबर थ्री, आपका नए लोगों के साथ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इन तीनों बातों में से एक भी नहीं। वैसे ये बात मैंने नहीं बोली, इरफान भाई ने बोली। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपका नए लोगों से इंटरेक्शन बहुत रहता है, और आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अब हम YouTube पे आ गए हैं, तो अब हम अपने रूल्स सेट करेंगे, क्योंकि आपका भाई तो आया ही रूल्स सेट करने के लिए। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े रब से लाके छोड़े सबसे आगे, जिंदगी की इस दौड़ में जो भागे वो ही राजा, रुके पीछे झुके नीचे वो है लाचर, क्योंकि खींचे तुझे पीछे तेरी आशा, वापस आ जा तू निराशा को मिटा जा, जिंदगी का मत। तो पहला असली रूल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आपको इस शलवार कमीज पहने, इस सस्ते सेटअप के सामने बैठे, इस असली लौंडे में नजर आ रहा है। और दूसरा असली रूल, आप रियलिस्टिक हो। आप जितना रियलिस्टिक होंगे, आपका काम उतना ऊपर जाएगा। ये थे दो असली रूल। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इरफान भाई ने गलत बोला है, लेकिन वो तीनों बातें बाद में आती हैं। पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर आप रियलिस्टिक हों। ये हैं दो असली चीज़ें। यू माइट बी वंडरिंग हु आई एम एंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हमारा हल्का सा फ्लैशबैक। दो अगस्त 1997 को इस लौंडे ने दुनिया में जिंदा एंट्री मार के अपने मरे हुए सात बहन भाइयों का मौत से बदला लिया। तो भैया क्या समझे, हम मौत से ज़िंदगी छीन के बैठे हुए हैं साल। अगर आज अपन निकलौता है ना, तो उसकी वजह साली मौत है, जो अपन के बहन भाइयों को पैदा होने से पहले ही टिपका देती थी। आई बिलोंग टू एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं सीधा काम पे भेजा जाता है। लेकिन हमारे केस में हमें इकलौता होने का एडवांटेज था, इसीलिए आज हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। प्राइमरी स्कूल गांव, मिडिल स्कूल साथ वाले गांव, हाई स्कूल गाजी और कॉलेज भी गाजी में। झंडे गाड़ने के बाद आपका भाई पहुँचा सीधा पेशावर यूनिवर्सिटी। यस, आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। I wasn't a topper student, neither I am. लेकिन टैलेंट हमारे अंदर कूट कूट के भरा था, ये बात तो आप भैया मान लो। I was and I am a talented student. स्टूडेंट लाइफ से निकल कर अब आ जाओ रिलेशनशिप्स पे। Don't judge me. हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पिचेस पे खेला है, और डोमेस्टिक पे तो हमने निकल निकल के छक्के मारे हैं भैया, मान लो। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तो भैया सुन लो, आपका भाई ब्लॉगिंग करने आया है, और वो भी यूट्यूब की धरती पे। अगर आपको मेरे स्टाइल में इरफान जो ने जो तैमूर मोरू, द शहजाद शो, हमजा इब्राहिम, इनमें से किसी का भी स्टाइल कॉपी नज़र आए, तो समझ लेना ये बच्चा उनका फ़ैन है। माजी से डरता हुआ, हाल से लड़ता हुआ, और फ्यूचर को पकड़ता हुआ ये बच्चा नस्ली, और काम इसका असली है। मैं हूँ हसन नियाज, और ये थी मेरी यहाँ तक की ज़िंदगी। अब आगे की ज़िंदगी मैं और आप साथ बिताएंगे YouTube की धरती पे। लेकिन मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए तुम्हारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दिस विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट शाउट आउट विच आई एम आस्किंग टू यू। अब आज के बाद हम अपने काम से अपने आप को मनवाएंगे पक्का।